तो कन्हैया, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है, आपको हमारे बारे में पता कैसे चला, इंजी नेटवर्क्स के बारे में? सर मैं को दो साइट से पता चला था। एक तो मेरे फ्रेंड ने मुझे रेफर किया था कि एक साइट है एनजी नेटवर्क, वो प्रोवाइड कराती है एक्सपीरियंस प्लस नॉलेज, पहले पढ़ाती है उसके बाद जॉब गारंटीड लगवाती है। और फिर मैंने उसके फिर सुनने के बाद गूगल भी किया था, पूरा चेक किया था, उसके बाद फिर मैं आया था। तो वैसे बेसिकली कहाँ से हैं आप? मैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। तो जैसे उस दोस्त ने बताया और आपने आरएनडी करी, तो ट्रस्ट बना उन पे? यस, ज्वाइनिंग के बाद और ज्यादा बना। बट जैसे कि हम पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, नॉलेज भी हमारी ग्रो करती गई करती गई करती गई, और जो हमारे मेंटोर हैं, टीचर्स हैं एनजी नेटवर्क के जितने भी हैं, उनसे भी हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो गई। आंचल मैम से भी हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो गई, राहुल सर से भी। हमने मतलब लाइफ का एक न्यू वे हमें मिल गया अपनी लाइफ के गोल्स अचीव करने के लिए। जो हम अपने टाइम बर्बाद कर रहे थे लास्ट में, उससे बचने के लिए एक अच्छा गोल मिल गया। मैं तो कहूँगा जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने उनको रेफर भी किया था, एक दो फ्रेंड्स ने कांटेक्ट भी किया था एक्चुअली। फिर उनका मेरे को आइडिया नहीं आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि मेरी बात नहीं हुई उनसे ज़्यादा, क्योंकि मैंने वो कंपनी छोड़ दी थी। तो बट मेरे को जो भी मिलता है मैं रेफर जरूर करता हूँ एनजी का, क्योंकि मुझे पता है कि अच्छा वे दिखाते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी दिलवाते हैं ये। तो कैसा लगा प्रोसेस आपको? मतलब जो हमने जो ट्रेनिंग का बना रखा है, आपने जो गो थ्रू किया, जैसे जो स्टेप बाय स्टेप आप आते हो, पहले नेटवर्क का इंट्रोडक्शन देते हैं, एडवांस देते हैं, फिर और इतनी सारी टेक्नोलॉजी आपको पढ़ाते हैं, तो वो कैसा लगा? फिर उसके साथ रियल एड ऑन कर देते हैं इनमें। वो सबसे बेस्ट चीज है, रियल टाइम की जो ट्रेनिंग है वो सबसे बेस्ट चीज है, क्योंकि आप किसी भी कंपनी में जाए जाके आप बिना रियल टाइम के नॉलेज होने पे कुछ नहीं होता, जब तक रियल टाइम का एक्सपीरियंस ना हो आपका। रियल टाइम का प्रोसेस सबसे बेस्ट है एनजी नेटवर्क का, उससे हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ, कि अगर कहीं इशू फंस रहा है या कुछ भी हो रहा है, जैसे किसी टाइप का भी इशू आ रहा है नेटवर्क में, तो कैसे रिजॉल्व करना है। पर तो हम सारे प्रोटोकॉल लेते ही हैं, बट उसको जब तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। तो रियल टाइम मस्ट है, वो सबको लेना चाहिए। तो उसके लिए थ्योरेटिकल कितना इंपॉर्टेंट है, जो पहले हम बेस बनाते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज देके, प्रैक्टिकल नॉलेज देके, वो कितना जरूरी है? कहा जाए कि अगर डायरेक्ट प्रैक्टिकल कर लो बिना थ्योरी के तो संभव ही नहीं है। जब तक राइट। बेसिक क्लियर नहीं होगा, आप नींव नहीं, मतलब जब तक नींव नहीं डालोगे आप मतलब घर नहीं बना सकते या कोई भी बिल्डिंग नहीं बना सकते। तो थ्योरेटिकल इज अ लाइक नींव, एंड देन प्रैक्टिकल लाइक अ बिल्डिंग। ट्रू ट्रू एकदम। मतलब एक पहले बेस फाउंडेशन बन जाती है, उसके बाद हम उसको जितना फिर, तो आप जैसे आज कह रहे हैं कि आप जूनिपर पे काम कर पा रहे हैं, एक्चुअली एक बार बेस क्लियर हो गया तो यू कैन इजीली अडैप्ट द न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू डिवाइसेस काम यस कर यस पा यस यस अगर पता ही ना हो कि सिस्को क्या है तो जूनिपर पे कैसे काम करेगा इंसान। रहे। ये बिल्कुल सही बात है। और कैसा रहा आपका इंटरेक्शन ट्रेनर्स के साथ? कैसा रहा जो हमने ट्रेनर्स फैकल्टीज हमने हायर कर रखे हैं, जो जो एक एड ऑन सर्विसेज देते हैं, प्रोग्राम मैनेजर आंचल मैम जो आपके फॉलो अप करती है आपके बैचेस का, आप कहाँ से कहाँ मूव करना है, कब होना है, उधर से राहुल है 24/7 आपको सपोर्ट देता है ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। राहुल सर और आंचल मैम, सीरियसली बताऊंगा, वन ऑफ द बेस्ट मतलब टीचर्स इन एनजी नेटवर्क। मैं और किन्हीं के साथ उतना इंटरेक्ट नहीं हुआ, बट राहुल सर और आंचल मैम काफी अच्छे हैं, हर टाइम हेल्प करते हैं, चाहे आप कभी भी मांग लो हेल्प, कभी भी हेल्प की नीड हो, बस आपको एक मैसेज करना है एंड दे विल प्रोवाइड यू हेल्प ड्यूरिंग मैं एंड आफ्टर द प्लेसमेंट। वो क्वेश्चन आने ही वाला था, प्लेसमेंट पार्ट कैसा लगा? मतलब प्लेसमेंट टीम से इंटरेक्शन कैसी रही, प्लेसमेंट कैसी रही? यस, काफी अच्छा। मैं तो कहूंगा जो सर मेरे साथ थे, जो मतलब मेरा करा रहे थे, वो तो काफी अच्छे थे। मतलब दिन रात लगे पड़े थे हमारे लिए, जब तक नहीं मिली जॉब तब तक मेहनत करते रहे। मैं तो सीरियसली बता रहा हूँ, मैं सर का फैन हो गया। मैंने कहा इतनी ज्यादा मेहनत, मैं सीरियसली था, मैं अपने दोस्तों के लिए इतनी मेहनत ना करूँ जितनी मेहनत उन्होंने मेरे लिए करी। मतलब किस कंपनी में मेरा रिज्यूम सेंड नहीं किया, मतलब इंटरव्यू भी मेरे हुए हैं, ऐसा नहीं कि मेरा हुआ नहीं भी हुआ, मतलब हुआ भी बहुत जगह, नहीं भी हुआ, बट उन्होंने जो रिज्यूम सेंड किए, मैं डायहार्ड फैन हो गया उनका। थैंक यू वेरी मच। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा एनजी के साथ? अगर मैं रेटिंग करूंगा तो मैं 10 out of 10 लूंगा। मैं सीरियसली अगर रेटिंग करना है मुझे 10 out of 10। ग्रेट, थैंक यू। बस मेरी एक ही चीज का मेरे को थोड़ा रहेगा ड्रॉबैक, कि मैं आपसे नहीं पढ़ पाया ना मैं बेसिक में आपसे पढ़ पाया, ना मैं एडवांस में आपसे पढ़ पाया। हाँ, मैं आपने हमारा सेशन लिया एक दो बीच में, बट मेरे को पढ़ना था आपसे बिल्कुल। ये मौका भी आपको जल्दी देंगे, और जब हम आपको अपग्रेड कराएंगे तो मौका मिलेगा। अपने जूनियर्स को क्या मैं जूनियर्स को यही कहूंगा कि बेसिक क्लियर रखो हमेशा,
कमांड्स लाइन याद रखो, बेसिक क्लियर रखो, तभी आप फ्यूचर में आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज अगर आपको कमांड लाइन नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं, तो आप नहीं सेलेक्ट कर पाओगे। तो मैं यही कहूंगा कि आप बेसिक और कमांड लाइन याद रखो कि कौन सा प्रोटोकॉल किस तरीके से वर्क करता है, उसका क्या नीड है, क्या कहाँ पे यूज करना, वो सब आपको बेसिक क्लियर रखना पड़ेगा अपना, तभी आप आगे जाके एडवांस में या फिर रियल टाइम में परफॉर्म कर पाओगे वेल, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। और बाकी मेरी तरफ से रहेगा कि ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर, और बहुत आगे जाना है, और जल्दी वापस आओ, फिर कुछ प्लान बनाते हैं आगे अपग्रेड करने का। आई एम आल्सो थैंकिंग यू सर फॉर दिस माय फॉर न्यू लाइफ फॉर मी, यू बिल्ड अ सच अ न्यू लाइफ फॉर मी एक्चुअली। आई एम ग्लैड थैंक यू वेरी मच यार, आपकी लाइफ सेटल हो गई, आप एक अच्छी जॉब कर रहे हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपने भरोसा किया मेरे पे, यू एक्चुअली शोज यू नो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो लाइफ में ट्रस्ट वाली चीज है ना, वो एक बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हैं, फिर भी आपने एनजी ज्वाइन किया, आपने एक टाइम स्पेंड किया हमारे साथ अच्छा खासा, और आज इस लेवल पे पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी भी जो डेडिकेशन रही है और जो मेहनत रही है वो रियली अप्रिशिएबल है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सर, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय सर।